हाय एवरीवन, क्यू आर वॉचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वेल, बात करते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य के आज रात के एपिसोड की। तो दादाजी यहां पर माफ़ी मांगेंगे हरलीन से कि उन्होंने शादी हरमन के साथ और युग और राजवंश के साथ वहां आने पर डिसाइड करनी थी। तब भी दादाजी कहते हैं कि हमको शादी फिक्स कर देनी चाहिए और जिसकी वजह से हर किसी को घर में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज मिलेगा। राजवंश कहता है कि यहाँ पर आपके और भी तो बेटे है ना, तो आप उनकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हरमन कहते हैं कि हाँ, लेकिन सारे बेटे तुम्हारे बाद आते हैं। दादाजी रिप्लाई करते हैं कि जब भी मैं बड़े बेटे की बात करता हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले तुम्हारा नाम आता है। दादाजी कहते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि हरमन ने मुझे चेस में हरा दिया, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि युग और हरलीन अब यहाँ पर डिसाइड। ये दादाजी को कंसोल करने आते हैं और हरमन का लेग भी पुल करते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो हरलीन है वो हरमन से कहती है कि तुम दादाजी से सॉरी बोलो, अदरवाइज़ मैं इतना ख़राब खाना बनाऊंगी कि तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। इसलिए हरमन उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करता है क्योंकि वो अफ्रेड है इतना ख़राब खाना खाने से। मीनवाइल राजवंश अंदर जाता है क्योंकि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है। तो दूसरी तरफ खुशी पूर्वी से कहती है कि मैं अपने फियांसे से मिलने जा रही हूँ और वो कहती है पूर्वी से कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे एयरपोर्ट। मीनवाइल उनके जो नेबर हैं वो वहाँ जाते हैं और पूर्वी को बुरा फील करवाने की कोशिश करते हैं उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा करके। तभी वो कहते हैं कि क्या अब तेरे साथ कभी कोई शादी नहीं करेगा। खुशी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उनसे कहती है कि आप अपने काम से काम रखिए ना, आप अपनी बेटियों को देखिए, अदरवाइज़ क्या पता वो आपका चेहरा सबके सामने ले आएं। थोड़े टाइम के बाद पूर्वी वहाँ आती है, उन सबको काम डाउन कराती है और खुशी को भी काम डाउन कराती है। वो कहती है कि हमें किसी से आर्ग्यू नहीं करना और वो खुशी को ले जाती है। दूसरी तरफ जो दादाजी हैं वो राजवंश को वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि बता कौन सी टी शर्ट सूट करती है विक्रांत को, और तभी राजवंश उन्हें सजेशन देता है। बाद में पूर्वी यहाँ दिया को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं घर पहुँच जाऊँगी जब, तो खुशी तुम वहाँ आना। तभी नोटिस करती है खुशी कि वहाँ पर राजवंश की जो कार है वो पास से पास आउट हो रही है और वो चुप हो जाती है। दिव्या कहती है क्या हुआ, और तभी वो उसके बारे में बताती है कि राजवंश की कार है यहाँ। दिव्या कहती है कि देख, डेस्टिनी भी चाहती है कि तू बार बार राजवंश से मिले, इसीलिए हमेशा तुम दोनों आसपास होते हैं। पूर्वी कॉल कट कर देती है। तभी यहाँ पर जो विशाखा है और अशोक है वो खुशी को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं न्यूज़ देखकर के, और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल पूर्वी सुनती है लोगों की आवाज़ मदद के लिए जो बुला रहे होते हैं। तभी वो ऑटो ड्राइवर से कहती है कि टर्न लो ना, उस जगह पर चलो। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जो एक जगह है वो पूरी आग में जल रही है। पूर्वी देखती है कि कुछ गुंडे और लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है तुम ऐसा मत करो। तभी वो यहाँ पर उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं। तभी राजवंश वहाँ जाता है उसे बचाने। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गुंडे उनको फॉलो करते हैं और वो राजवंश को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्वी उसे बचा लेती है ये कहकर कि किस्मत ने हमें यहाँ से निकलने का मौका दिया है। राजवंश पूर्वी से कहता है कि हमें अंदर छुप जाना चाहिए कार की डिक्की में। तभी वो इनिशियली मना करती है लेकिन जब वो देखती है कि गुंडे दौड़ रहे हैं तभी वो अग्री करती है और दोनों कार की डिक्की में छुप जाते हैं। गुंडे उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं ढूंढ पाते और वो वहां से चले जाते हैं। इधर कार के डिग्गी में राजवंश और पूर्वी इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि पूर्वी थोड़ी सी ऑकवर्ड फील होती है राजवंश के साथ इतनी नज़दीकी डिस्टेंस देख करके। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि बार बार जो किस्मत इशारे कर रही है क्या ये दोनों समझ पाएंगे और इन दोनों का रिश्तेदारी में बदल पाएगा या नहीं। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। We'll be right back.